हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं विजय बनर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। एंड आज है ससुराल में हमारे स्टे का दूसरा दिन। घर आने के बाद ना करने को तो खास कुछ काम रहता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह ना अच्छे से नहा धो के मैं तैयार रहूँ। ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद से ही आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। एंड देखिए, यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ जो नहाने के बाद कपड़े थे उसको सुखाने के लिए। कुछ दिन पहले आए हुए तूफ़ान की वजह से हमारा जो रूम का एसी है उसका कंप्रेसर पूरी तरीके से ठप हो चुका है। मतलब इस छुट्टी का पहला नुकसान हमारा अभी का हो चुका है। एंड ये है आशा दी, यानी कि इस घर की मेड, और बहुत ही कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को तब से कैमरा में कैप्चर कर रही हूँ। एंड उनसे रहा नहीं गया, सो उन्होंने मुझसे पूछ ही डाला। ना, वीडियो कॉल ना, वीडियो वीडियो हो रही है। तो मन अच्छे वीडियो कॉल कर छी ना ना वीडियो कर छी। क्यूरियस होके उन्होंने मुझसे पूछ ही डाला, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं दीदी, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और उसी सिलसिले में मैं यहाँ का छोटा छोटा वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा छत का व्यू आपको मैं दिखा दे रही हूँ मेरे ससुराल का, और तुरंत उसके बाद ना नीचे जाके मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया। आज वैसे तो गर्मी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, लेकिन दोपहर के बाद कितनी गर्मी पड़ेगी उसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारा रूम हमारे एब्सेंस में वैसे तो ज़्यादातर गेस्ट रूम के तौर पे यूज़ होता है, या फिर स्टोर रूम की तरह। बहुत गर्मी है। वैसे तो मंथ में एक दो बार यहाँ का डस्टिंग वगैरह हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जब रहने के लिए इस रूम को यूज़ करेंगे ना, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई खुद से कर लेना भी ज़रूरी हो जाता है। सो देखिए, ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल सामने जितने भी स्किन केयर वाले प्रोडक्ट मैं आगरा से लेती हुई आई थी, वो सारे ना मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ, सो दैट मुझे वो बैग से बार बार खोल खोल के यूज़ ना करना पड़े। एंड इस वाले मिरर के लिए पहले भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, तो फिर से मैं आपके साथ ये वाला मिरर का डिज़ाइन वगैरह शेयर कर रही हूँ। ये मेरे शादी में मिला हुआ मिरर है, एंड इसको अभी ना मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो सिर्फ मैं ही नहीं, संजू भी इस रूम को रीऑर्गेनाइज एंड क्लीन करने में मेरा साथ दे रहे हैं, प्लस मेरे ससुर जी भी अभी इस रूम में हैं, तो उनके साथ ना बात करते करते हम इसको क्लीन करने का कोशिश कर रहे हैं। प्लस सासू माँ से कितना देर रहा जाएगा, वो भी बीच बीच में ना रूम में आके देख के जा रही है कि इस रूम में हम लोग कर क्या रहे हैं। सो इस रूम में जो ये टेबल आप देख रहे हैं, ये संजू का स्टडी टेबल हुआ करता था, बहुत पुराना है। एंड कई बार इस टेबल को लेके हमारे घर में डिस्कशन छिड़ जाता है कि पुराने जितने भी फर्नीचर है ना इस घर में, उसको चेंज करके नए टाइप के फर्नीचर हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन इस घर की हर एक चीज़ से मेरी सासू मॉम को इतना लगाव है एंड इतनी इमोशनली टच्ड है कि वो घर के हर एक चीज़ को ना संभाल के ही रखना चाहती है, चाहे वो कितने भी ख़राब कंडीशन में हो। मदर इन लॉ का ये फीलिंग और किसी को पता चले ना चले, लेकिन एज अ वुमन एंड अ हाउसवाइफ मुझे उनकी इन सब फीलिंग के बारे में ना बहुत अच्छे से पता चल जाता है। क्योंकि कल ट्रैवल करने के बाद मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ही ख़राब हो गया था कि इन सब चीज़ के लिए ना कल वाला टाइम तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाई। कल कम्प्लीटली हम लोग रेस्ट करते रहे, एंड एसी ख़राब होने की वजह से ना काफ़ी दिक्कत भी आई, क्योंकि ये वाला जो ऊपर का रूम है ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो कल करने वाले जितने भी काम थे ना, वो मैंने आज ही निपटा लिए। जितने भी कपड़े हम लोग लेकर आए थे ना, वो सब मैं बैग से निकाल के इस अलमीरा में अच्छे से सेट करके रख दे रही हूँ। क्योंकि ना हर एक छोटी चीज़ को ढूंढने के लिए या निकालने के लिए बार बार बैग खोलना या सूटकेस निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कपड़े तो मैंने सेट करके रख दिया है, अभी इस अलमीरा के बाहर से ना मुझे थोड़े से धब्बे और स्टेन वगैरह दिख रहे थे, तो कॉलिन लगा के मैंने इसके बाहर से भी इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। मेरे पीछे से, यानी कि मेरे एब्सेंस में इस रूम में जितने भी सामान रखे हैं उनका रेगुलर क्लीनिंग होता रहे, इसलिए जब भी मैं छुट्टी से आती हूँ या जाती हूँ, मेट के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर जाती हूँ, सो दैट वो ये काम करने में ना उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी ये बात ना हो ही जाती है कि अपनी चीज़ों का जितना ध्यान हम खुद रखते हैं ना, मेड या दूसरा इंसान उतना नहीं रख पाता है। वैसे तो इस रूम में चारों तरफ से खिड़कियां हैं, लेकिन वो कांच वाली है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है एंड सूरज चढ़ते रहता है, इस वाले रूम में ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। ये वाला रूम दिन में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। पूरे घर में ये वाले रूम में ना सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है।
इस रूम का एसी ख़राब होने की वजह से ना कल हम इस रूम में घुसे तक नहीं एंड बेड भी यूज़ नहीं किया सोने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितने सारे कर्टन लगे थे ना खिड़की पे, वो मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि मेरे रूम से बाहर का जो व्यू है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है। थोड़ा सा धूप चढ़ने लगेगा ना तो इस रूम में जितने भी कपड़े हैं वो मैं छत पे थोड़ी देर ना डाल के आ जाऊंगी। देखिए, समायरा का बचपन का पिलो भी है जिसको हम लोग अभी ना असेंबल करके एक सिंगल पिलो बनाने का सोच रहे हैं। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ना अभी शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। बहुत से फ्रेंड्स थोड़े से ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब मैं बेड पे ना ये नारियल की तिलियों से बना झाड़ू यूज़ करती हूँ। ऐसे भी व्यूअर हैं जो बीच बीच में मुझे इस बारे में कमेंट करके पूछते भी हैं। हमारे बंगाल में ना ये एक ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिशन बन गया है कि नारियल की तिलियों से बना हुआ ये जो झाड़ू है ना, ये हम बेड के बिल्कुल नीचे रखते हैं सो दैट जब भी बेड थोड़ा सा गंदा रहे ना हम इसको क्लीन कर पाए। आई मीन सिर्फ बंगाल में ही नहीं, असम में भी ना बांस की तिलियों से बना हुआ ऐसा ही झाड़ू बिल्कुल बेड के आपको आसपास मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बेड तो सेट हो चुका है तो बेड के बिल्कुल पीछे एक वॉल अलमीरा है जिसमें रैंडमली काफ़ी सारी चीज़ें मेरी सासू माँ ही रखती हैं क्योंकि मैं तो ये रूम ज़्यादातर यूज़ करती नहीं हूँ। तो देखिए, अभी जाके ना ये वाला रूम पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। अपने रूम को क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं बाहर वाले रूम में भी आ गई हूँ सो दैट यहाँ पर जो सोफ़ा रखा हुआ है उसको भी ना थोड़ा सा मैं सेट कर दूँ। वैसे तो सोफ़े के ऊपर कवर डालना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, खासकर इस टाइप का सोफ़ा जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप एक जगह कम्प्लीटली डिपेंड होकर नहीं रह रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें ना दूसरों के अकॉर्डिंग भी आपको मान लेनी पड़ती है। बहुत से फ्रेंड हैं जिन्होंने कच्चा कटहल ज़रूर देखा होगा लेकिन पकने के बाद उसके फ्रूट ना कुछ इस टाइप के दिखते हैं एंड बहुत ही टेस्टी होते हैं। पापा के साथ जब हम लोग बंगाल में पूरी तरीके से शिफ्ट होने के लिए आ गए थे तो हर एक बंगाली के घर में ये तीन पेड़ कॉमनली हम लोग को देखने को मिल जाते थे, वो है आम का पेड़, कटहल का और नारियल का। इनके बिना कोई भी घर देखा ही नहीं जाता था। इवन मेरे घर में भी ये सब पेड़ थे लेकिन मेरे पापा ने सारे पेड़ कटवा दिए, इवन मेरे ससुर जी ने भी कटवा दिए क्योंकि ये वाले पेड़ ना घर को बहुत नुकसान करते हैं। बहुत टेस्टी है लेकिन गर्मियों में इसको खाने से पेट भी बहुत दुखता है तो ज़्यादा नहीं खाऊँगी। सासू माँ देकर गई है तो एक दो पीस ज़रूर ट्राई करूँगी। अलग अलग घर में ना अलग अलग रूल्स मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि मेरे ससुराल में ये वाला रिचुअल है कि खाना बनाने के तुरंत बाद ना जितना भी आइटम बना है उनको गैस ओवन के आसपास नहीं रखने की जगह नीचे उतार के रख दिया जाता है। अगर तक बोलते बे, 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 बे। मेरे को सपना आएगा कि आप फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो। सो घर के सभी फैमिली मेंबर नहा धो के रेडी हो गए हैं एंड सबको भूख भी लगना शुरू हो गया है। जो कुक दीदी आई थी उन्होंने खाना भी प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ मैं नीचे बैठ के ना सबका प्लेट में खाना सर्व कर दे रही हूँ। आई नो मेरे बहुत से फ्रेंड मेरा ब्लॉग बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन कुछ ही दिन की बात है फ्रेंड्स, घर जाते ही आपको नॉर्मल ब्लॉग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बोलती रहती हूँ ना कि हमारे बंगाल में एक टाइप का सब्जी और दाल से हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो वही एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है। प्लेट पूरा का पूरा ना अलग अलग आइटम से भरा हुआ है। जहाँ मैं आगरा में बैठे एक भाजी और एक दाल से ही काम चला लेती थी और यहाँ पर प्लेट इतना फुल है इसलिए मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो जाता है जैसे मैं घर से वापस जाती हूँ। तो वेकेशन के फर्स्ट डे इन ससुराल वाले ब्लॉग में वेल फ्रेंड्स कुछ इतना ही। अच्छा सो आज का ब्लॉग भी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।